नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो हम अब लेकर आ चुके हैं रिवीजन टेस्ट कक्षा 9वीं का जो गणित का था उसका सॉल्यूशन। तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सॉल्यूशन चाहिए, तो मैंने उनसे कह दिया था कि रात के 8 बजे तक आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको जल्दी ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो हमें क्या परिमेय संख्या बतानी है। तो पहला ऑप्शन है 0.23, दूसरा है, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, अगर 0.23 अगर इसको हम दशमलव हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, 30, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, तो यह क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो यह क्या हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर बी होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारी क्या परिमेय संख्या हो जाएगी। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा इसका, सेकेंड वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बी हो जाएगी हमारी क्या परिमेय संख्या। अब दूसरे देखते हैं, निम्नलिखित में बहुपद है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, x² + 3x, यह एक बहुपद है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो हमें क्या दो चरों वाला रैखिक समीकरण बताना है। तो ऑप्शन दिए गए a² + bx + c = 0, दूसरा ax + b = 0, तीसरा ax² + bx + c = 0, चौथा ax + by + c = 0। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ax² + bx + c = 0, यानी कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ax² + bx + c = 0, ठीक है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर क्लास 9 से 12 तक के सभी वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको जो रिवीजन टेस्ट के। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, ठीक है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। दोस्तों, हम आपको 1 घंटे पहले सॉल्यूशन ले आए हैं, तो आपको वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, कुछ लोग स्टूडेंट लाइक ही नहीं करते, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये त्रिभुज है हमारा, तो इसके तीनों कोणों का यह 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। जरूर नहीं है बराबर, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अगर आप चाहें तो 60-60 मिलाकर भी कर सकते हैं, 180 डिग्री हो जाएगा। फिर आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण हमारा होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 90, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, हमारे ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं सही विकल्प वाले, अब आगे देख लेते हैं। तो पहला, अब दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है हमारा, दो परिमेय संख्याओं के मध्य खाली स्थान परिमेय संख्या होती हैं, तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है, कितनी, अनंत, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनाइट। दूसरा है, दो चरों वाले एक घात का समीकरण का ग्राफ को प्रदर्शित करता है, वक्र रेखा, सरल रेखा, तो यह क्या, एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, सरल रेखा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो हमें बतानी है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 0 या 1। तो आपको पता होगा प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी की बात की जा रही है हमसे, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि सबसे पहले आ रही है, और सबसे प्राकृत संख्या 1 से ही स्टार्ट होती है, इसलिए सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या हमारी होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो मैं आपको समझा भी देता हूँ, जैसे अगर आपके आगे भी भविष्य में काम आएगा, जिससे अगर आप कोई एग्जाम देते हैं तो आपके इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। आंसर जानना ज़रूरी नहीं है, उसको किस प्रकार आंसर आया है वो जानना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, सबसे छोटी हो चुका है, अब है 9^(1/2) का मान है 2 या 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 9^ हमारी कितनी दी गई है, 1/2, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 3^2 आएगी, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, तो 3^2 लिख दी, और यहाँ पर क्या है, 1/2, तो 1/2 लिख दिया, तो 2 से 2 क्रॉस होगा, तो 3^ हमारे पास कितनी बची, 1 बची, तो 3^ कितनी होता है, 3, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा 3। 9^(1/2) का जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 3, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में क्या बताया गया, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर बहुपद दिया गया है 5x³ + 4x² + 7x³ लिखिए। तो हमें इसमें घात लिखनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी घात क्या है हमारी, 5x³,
तो तीन घात है इस पे, तो हमारे क्या जो समीकरण दिया इसकी घात हो जाएगी तीन, ठीक है, घात हो जाएगी हमारी कितनी तीन, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा बहुपद x प्लस फाइव का शून्यक लिखिए। तो बहुपद यहाँ पर दिया गया है x प्लस फाइव, तो शून्यक हम किस प्रकार निकालेंगे, तो x प्लस फाइव, ठीक है, बराबर जीरो लिख देंगे, तो x बराबर x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस फाइव, तो शून्यक जो हमारा निकल के आया है वो माइनस फाइव निकल के आया है। अब बात करते हैं संभाव्य त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना, माप क्या होगा, तो संभाव्य त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप क्या होगा, तो संभाव्य त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री, ठीक है, प्रत्येक कोण यहाँ यहाँ और यहाँ, तो मैंने जो पहले आपको बताया था वो त्रिभुज ओनली वहाँ पर दिया गया था, जबकि संभाव्य त्रिभुज का होता है प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, इस प्रकार टोटल कितना हो जाता है 60 या 180, ठीक है, प्रत्येक का यहाँ का भी 60 होगा, यहाँ का भी, और तीनों कोणों का मान 60 होता है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने से ना चूके, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब है हमारे सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या मैंने आपको बताया था एक से शुरू होती है, एक दो तीन चार डॉट 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 अनंत तक जाती है, जब पूर्ण संख्या हमारी जीरो से शुरू होती है, जीरो एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, तो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, जीरो होगी, ना कि एक होगी, ठीक है, जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है, क्या शून्य होगी, तो इसका आंसर आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सौ घात के एक पदी बहुपद को लिखिए। तो सौ घात का जो हमें एक पदी बहुपद लिखना है, अगर आप चाहें तो x की पावर 100 कर दें तो ये एक ही पद है, अगर चाहें तो 2x की पावर 100 कर दें इसमें भी एक पद है, अगर आपको दो पद का पूछा जाता है तो आप इसमें 5 जोड़ देते हैं या 7 जोड़ देते हैं, दो पद हो जाते हैं, एक पद का पूछा गया है तो आप लिख सकते हैं 2x की पावर 100 जो भी आप चाहें, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक चार की, चार सत्य और असत्य लिखिए। तो अंडर रूट पाँच यहाँ पर क्या क्लियर नहीं दिख रहा है कि क्या है, फाइव सर भाट प्लस टू है या अंदर है, जो भी हो लेकिन यह क्या परिमेय संख्या कहा गया है, परिमेय संख्या होती है पी बटे क्यू के रूप में, जबकि यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, यह पी बटे क्यू के रूप में अंडर रूट को नहीं लिख पाएंगे, तो यह पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा क्लियर असत्य है, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, तो ये बिल्कुल सही है, आपने कहा जो यूक्लिड है अभिग्राहिता से होता है, जो पूल होता है अपने भाग से बड़ा होता है, यूक्लिड एक प्रमेय होती है अभिग्राहिता वाली, उसमें है पूल अपने भाग से बड़ा होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप इस पर राइट आंसर लगा दीजिए, यानी कि सत्य है बिल्कुल, इसमें आप गलत मत कीजिए, सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, दो चरणों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, तो मान दो एक चर ऐसा एक चर ऐसा, तो इसका क्या एक सरल रेखा हो, दो भी कोई चर हैं उनका आलेख एक सरल रेखा होती है, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मैंने मान लिया कोई चर है 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ पर एक चर तो हमारा क्या x हो गया, एक चर y हो गया, ठीक है, और जो हमारे जो तीन जो अचर राशियाँ हो जाएंगी, ठीक है, तो इसका जो आलेख होगा क्या एक सरल रेखा होगी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा सत्य, ठीक है। अब है इसका x माइनस वाई x प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x में ही होता है ये सत्य है, यदि x प्लस ए और x माइनस ए है तो यह क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर x ए की जगह वाई है तो यह क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा सत्य है बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं पाँचवें की, तो बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक माइनस 5 है, तो शून्यक हम निकाल लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया एक क्वेश्चन और था, तो 2x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे, तो 2x बराबर क्या आएगा माइनस 5 आएगा, तो x बराबर निकालेंगे तो माइनस 5 अपॉन 2 आएगा, और उसमें क्या क्या कहा गया है कि माइनस 5 है, तो यह क्या माइनस हमारा आ रहा है माइनस 5 अपॉन 2, तो यह क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं सही जोड़ियाँ, तो यहाँ पर सही जोड़ियाँ बहुत ही सिंपल दी गई हैं, अगर आप सॉल्यूशन करने का प्रयास करते तो इसमें कुछ भी पेपर में नहीं है, माइनस फाइव प्लस टू तो क्या हो जाएगा माइनस पाँच में से प्लस के तो जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस के तीन बचेंगे, ठीक है, क्योंकि जो चिन्ह जो है वो बड़ा संख्या पाँच है और उसमें चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या माइनस का बचेगा तो माइनस तीन, तो माइनस तीन ऑप्शन हमारा कहाँ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस तीन, तो पहले का हमारा क्या बी हो जाएगा। अब दूसरे की बात करते हैं,
-4 × -3 तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे इंटू में, और 4 × 12 हो जाएंगे तो प्लस के 12, तो यहाँ पर आपको लगा देना है डी। ठीक है, तीसरा देखते हैं 1/3, तो तीसरे का हमारा हो जाएगा 1/3, यहाँ पर 2/6 है, तो 2/6 को हम काट देंगे 2 से, तो 2 × 2 = 2, 2 × 6 तो ये भी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 2/6 हो जाएगा 1/3 का। अब है 2/100, तो जब इसका आप भाग देंगे 2/100 का, तो ये आपका करीबन आएगा चौथे का आंसर आएगा आपका 2.02, यानी कि इसका जो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। भाग दीजिए आप, आसानी से आ जाएगा, सिर्फ आपको 2 में 100 का भाग देना है। ठीक है, आप भाग दीजिए, आंसर चुटकियों में आ जाएगा। अब बात करते हैं पाँचवें की 0.1, तो इसका आंसर हमारे जो पाँचवें का आंसर होगा, अगर इसको आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इस प्रकार, और यहाँ पर क्या ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएंगे क्योंकि 1 दशमलव हटाया एक संख्या बाद, तो यहाँ 10 आ जाएंगे, तो इसे हम 1/10 भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाँचवें का ए 1/10, तो इसको आप मिला दीजिए। ठीक है, इस प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव दोस्तों पूरे सॉल्यूशन हो चुके हैं। काफ़ी मेहनत के बाद आपको ये सॉल्यूशन मिला है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट के क्लास 9 से 12 तक इस चैनल पर आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं और सबसे पहले मिल रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पहली बार अगर चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेन पॉइंट है, आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और आज आपको चैनल पर बार बार आना पड़ेगा, स्टडी विद हेमेंद्र यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो पर वीडियो ऑप्शन पर जाना है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा क्योंकि YouTube 3 से ज़्यादा नोटिफिकेशन किसी को नहीं भेजता है, इसलिए आपको YouTube पर सर्च करके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ, क्लास 9 का। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्न क्रमांक जो आपको 6, 7, 8 है, यहाँ पर 6, 7 इनका भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए ऑब्जेक्टिव का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने पॉजिटिव रिएक्शन दिए कि कमेंट बहुत सारे आए, इसलिए मैंने सॉल्यूशन बना दिया। अगर आप इनका भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो इनका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि सॉल्यूशन चाहिए या नहीं। अगर ज़रूरत है स्टूडेंट की तो हम उसका पूरा करने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।